नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 4 नवंबर 2019 को वृश्चिक राशि को छोड़ अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अर्थात धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि व कर्क लग्न वाले जातकों पर क्या रहेगा प्रभाव। मित्रों, फलादेश प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। पिछले तकरीबन 10-11 माह से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि व कर्क लग्न वाले जातकों के पंचम भाव के अंदर गोचर करते आ रहे हैं और 4 नवंबर 2019 से देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान को छोड़कर षष्ठम स्थान के अंदर गोचर करेंगे। अब मित्रों, यहां मैं आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि व कर्क लग्न वाले जातकों के लिए अति योग कारक ग्रह होते हैं। ऐसे में आपने कहीं ना कहीं यह भी सुना होगा कि जब भी कोई ग्रह षष्ठम, अष्टम या द्वादश भाव के अंदर गोचर करता है तो जातक को बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, यहां मैं आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों के लिए अति योग कारक ग्रह होते हैं और ये अपनी स्वयं राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। यहां पर गोचर कर देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। ऐसे में निसंकोच कहा जा सकता है कि कर्क राशि व कर्क लगने वाले जातकों को जॉब संबंधित समस्याएं यदि काफी समय से देखने को मिल रही थी तो अभी मिलने जा रही है निजात। साथ ही कर्क राशि के वे लोग जो जॉब की कर रहे थे तलाश, उन्हें भी देखने को मिलेंगे श्रेष्ठ आयाम। इसी के साथ यदि आप कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो भी आपको देखने को मिलेंगे पक्षकारी परिणाम। मित्रों, यदि पिछले काफी समय से आपके ऊपर कोई कर्ज इत्यादि चढ़ा हुआ था तो 4 नवंबर 2019 के पश्चात कर्ज से भी मिलने जा रही है आपको मुक्ति। साथ ही यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें भी देखने को मिलेंगे पक्षकारी परिणाम। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी व नौकरी पेशा वाले जातकों को देखने को मिलेगी पदोन्नति। यदि आप कोई विदेश संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो भी आपको 4 नवंबर के पश्चात देखने को मिलेंगे पक्षकारी परिणाम। इसी के साथ विदेश यात्रा के योग भी देखने को मिल सकते हैं। स्वयं या घर के किसी सदस्य का हॉस्पिटलाइज खर्चा देखने को मिल रहा था तो उससे भी मिलने जाएगी आपको निजात। व्यर्थ व्यय में कमी देखने को मिलेगी। कुटुंब परिवार में यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी व धन के आयाम सामने आएंगे। वाणी में भी देखने को मिलेगी मधुरता। अब मित्रों, यहां मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूं कि 24 जनवरी 2020 तक शनि भी धनुराशि के अंदर ही गोचर कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि बताए गए फलादेश का आपको पूर्ण रूप से देखने को मिले लाभ तो आपको शनि शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए। शनिवार के दिन काले व नीले वस्त्र धारण ना करें। शनिवार के दिन कोई काली वस्तु का दान कर सकते हैं। नित्य या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए पूर्ण रूप से रहेगा फल प्रदाता। इसी के साथ फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज या किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करते हैं तो भी देखने को मिलेंगे पक्षकारी परिणाम। नित्य 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना भी आपके लिए रहेगा पूर्ण रूप से श्रेष्ठ फल प्रदाता। मित्रों, बृहस्पति का यह विपरीत राजयोग वैसे तो कर्क राशि व कर्क लगने वाले जातकों के लिए पूर्ण रूप से लाभ प्रदाता रहेगा, किंतु मित्रों यहां मैं आपको बता दूं, 30 मार्च से 30 जून तक बृहस्पति धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि मकर राशि के अंदर देवगुरु नीच के हो जाते हैं। ऐसे में इन 3 माह के अंदर आपको संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा दाम्पत्य योग में आपको मनमुटाव देखने को मिल सकता है, पार्टनरशिप में मिल सकता है धोखा, दैनिक रोजगार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि 30 मार्च से 30 जून तक किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी ना करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। इन 3 माह के अंदर ही यदि आप बृहस्पति का दान करते हैं, बृहस्पति के जाप करते हैं तो भी आपको देखने को मिलेंगे पक्षकारी परिणाम। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का सिंह राशि वाले जातकों पर क्या रहेगा प्रभाव। तब तक के लिए नमस्कार।